गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अत्रा शहरयार। मेरे चैनल पे आपको मिल रहा है जी फ्री मेकअप कोर्स। जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया उन्होंने करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे नोट्स बनाने हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करने हैं। इस तरह से आप जो है फ्री सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शाउट आउट है, वो भी है जी ग्रुप विधानिया के लिए। आपने इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करना है, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना है। हैंडल आपको जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हानिया आपके साथ बहुत ही मज़े के मेकअप लुक्स, मेकअप ट्यूटोरियल, इसके अलावा प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ और बहुत कुछ आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हैं यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। तो आपने इनको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इसके अलावा इनके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो ज़रूर करना है। तो चलें आप स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो गर्ल्स आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को समझ ही नहीं आती कि कौन से ड्रेस के साथ हमने कौन सा कलर का मेकअप अप्लाई करना है, या हम लोगों को कौन से कलर के बाद कौन सा कलर अप्लाई करना है ये भी बिल्कुल समझ नहीं आती है। अगर आपको इस चीज की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्रोफेशनल मेकअप जो है वो आर्टिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आज की क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। जब भी हम मेकअप अप्लाई करते हैं ना, तो हम दो तरह का मेकअप करते हैं। मेकअप की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जी मोनोक्रोमैटिक, एक होती है पॉलीक्रोमैटिक। अब मोनोक्रोमैटिक क्या है, पॉलीक्रोमैटिक क्या है, मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जैसा कि मोनोक्रोमैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है सिंगल कलर, यानी वन कलर, ठीक है। सिंगल कलर में रहते हुए जब हम आई मेकअप करते हैं ना, उसको हम लोग मोनोक्रोमैटिक कलर बोलते हैं। और जब हम आई मेकअप में मल्टीपल कलर्स यूज करते हैं ना, ज्यादा कलर्स यूज करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, तो उसको हम लोग जी बोलते हैं जी पॉलीक्रोमैटिक कलर्स। होप सो आपको मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक में फर्क जो है वो वाजे हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी मोनोक्रोमैटिक लुक्स के बारे में। पहले मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी मोनोक्रोमैटिक लुक्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे जी पॉलीक्रोमैटिक के बारे में। तो जो मोनोक्रोमैटिक लुक्स होती है ना, उसमें आगे से हम लोगों ने किस तरह से मेकअप करना होता है, या तो सिंगल कलर को यूज करके मेकअप करना होता है, या फिर सेम फैमिली के कलर्स को यूज करके हमने मेकअप करना होता है। तो गाइज मैं आपको समझाती हूँ इस कलर व्हील के थ्रू, क्योंकि कलर व्हील जो है ना हमारा बहुत ज्यादा गर्ल्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इससे हमें पता चलता है कि हमने कौन से ड्रेस के साथ कौन सा दुपट्टा पहनना है, कौन से ड्रेस के साथ कौन सी हम लोग ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं, कौन से मेकअप के साथ कौन सी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, कौन से आई मेकअप में कलर के बाद कौन सा कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये कलर व्हील है। इसके अलावा मैं एक और अभी आपको कलर व्हील दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि कलर व्हील हमारे आई मेकअप में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए मैं आपके सामने एक और कलर जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या है कि कलर की फैमिलीज हैं, जैसे ये येलो कलर फैमिली है, तो पहले येलो कलर है, फिर उसके बाद उससे लाइट है, फिर उससे लाइट है, फिर उससे लाइट है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता गया, ठीक है। तो सिंगल फैमिली के कलर को यूज करके किस तरह से मेकअप करते हैं सेम फैमिली कलर्स को, कि अगर आप येलो कलर का मेकअप करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप अप्लाई करोगी लाइटेस्ट येलो, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा डार्क, फिर उससे डार्क, और फिर सबसे डार्केस्ट येलो की तरफ जाओगे। इस तरह से मेकअप कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑरेंज मेकअप करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपने सबसे लाइट ऑरेंज मेकअप करना है, फिर उसके बाद उससे डार्क कलर यूज करना है, फिर उससे डार्क, और फिर सबसे एंड पे जो है वो डार्केस्ट ऑरेंज कलर यूज करना है। ये तरीका है जी आपका सेम फैमिली के कलर्स यूज करके मेकअप करने का। अब गर्ल्स अगर आपको सेम फैमिली में रहते हुए जो है वो मेकअप करना है ना, उसमें आपको मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो साथ वाले कलर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे की फैमिली होते हैं। जैसे ये दो कलर्स, ये दो कलर्स, इसके अलावा ये दो कलर्स, फिर ये दो कलर्स, फिर ये दो कलर्स, ये दो कलर्स, ये दो कलर्स, तो जो साथ के कलर्स होते हैं ना, वापस में एक दूसरे की फैमिली होते हैं। तो आप एक फैमिली में रहते हुए भी मेकअप कर सकते हो, यानी आप इन दो कलर्स को यूज करके भी मेकअप कर सकते हो, इन दो कलर्स को यूज करके भी मेकअप कर सकते हो, इन दो कलर्स को भी यूज करके मेकअप कर सकते हो, इन दो को भी, इन दो को भी, इन दो को भी, और इन दो को भी, ठीक है, फिर इन दो को भी। अब आपने करना किस तरह से, मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपने वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड का रूल अप्लाई करना है, या फिर वन थर्ड टू थर्ड का, या फिर टू थर्ड वन थर्ड का। तो गाइज अगर आपकी ये आंख है ना, तो आपने टू थर्ड एरिया और फिर वन थर्ड एरिया, यानी पीपल के बाद वाला एरिया, पीपल के पहले वाला एरिया, इसको मार्क कर लेना है। और उसमें आप क्या करोगे, इस साइड पे लाइटेस्ट कलर अप्लाई करोगे, इस साइड पे डार्केस्ट कलर अप्लाई करोगे। लेट सपोज ये हमारे पास कलर व्हील है, तो आप येलो कलर जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करोगे टू थर्ड एरिया पर, और फिर जो ग्रीन कलर है ना वो आप जो है वो अप्लाई करोगे वन थर्ड पार्ट पर। इसी तरह से अगर आप ये दो कलर लेना चाह रहे हो ना, तो लाइट कलर जो है ना वो आप अप्लाई करोगे टू थर्ड एरिया पर, और फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर है, ये वाला कलर आप यहाँ पे डार्केस्ट कलर जो है वो अप्लाई करोगे अपने आउटर एरिया पर। हमेशा याद रखें कि इनर पार्ट पे हम लोग हमेशा लाइट कलर अप्लाई करते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है ना, उस पर हमने डार्क कलर अप्लाई करना होता है। इसके अलावा अगर आप वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड का रूल अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने प्यूपिल से पहले वाले पार्ट को वन थर्ड, फिर उसके बाद प्यूपिल वाला पार्ट वन थर्ड, और फिर लास्ट वाला पार्ट वन थर्ड लेना है। तो लेट सपोज आप ये तीन कलर यूज करके मेकअप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाले
पहले 1/3 पार्ट पे येलो कलर अप्लाई करना है, मिड वाले पार्ट पे ये वाला कलर अप्लाई करना है और फिर लास्ट वाले पार्ट पे ये कलर अप्लाई करना है और इन तीनों कलर्स को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। यानी इस वाले पार्ट पे हम अप्लाई करेंगे येलो, फिर इस वाले पार्ट पे हम अप्लाई करेंगे ग्रीन और फिर इस वाले पार्ट पे ये वाला डार्क ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने मोनोक्रोमेटिक लुक को 3 कलर्स के साथ जो है एक ही फैमिली में रहते हुए कंप्लीट करना है। तो गाइज, अगर आप 1/3 1/3 1/3 का रूल अप्लाई करना चाहते हो ना, तो प्यूपिल से पहले वाले एरिया पे आपने अप्लाई करना है ये येलो कलर, फिर उसके बाद प्यूपिल के जो ऊपर वाला जो एरिया है इस पे आप अप्लाई करोगे ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर, और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला प्यूपिल के बाद वाला एरिया है इस पे आप डार्क ऑरेंज कलर अप्लाई करोगे इस तरह से। या फिर अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, या इस तरह कर रहे हो तो ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। और अगर आप जो है 2/3 1/3 रूल अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने कोई से दो कलर सेलेक्ट करने हैं। लेट्स सपोज हम ये दो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो रेड कलर हम अप्लाई करेंगे जी अपने 2/3 पार्ट पर, और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास रेड ऑरेंज कलर है या फिर हम लोग रेड वायलेट कलर ले लेते हैं जो इसके साथ फैमिली का कलर है, वो हमने जो है वो आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है, यानी 1/3 पार्ट पे। लेकिन आप कोशिश किया करें कि इनर पार्ट पे हमेशा लाइट कलर अप्लाई करें और जो हमारा आउटर पार्ट होता है ना उस पर आप डार्क कलर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं जी स्मोकी आईज की, कि हम लोगों ने सिंगल कलर में रहते हुए स्मोकी आई को किस तरह से कंप्लीट करना है। स्मोकी आई मेकअप बहुत ज्यादा हर टाइम जो है वो ट्रेंडिंग में होता है और उसको करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है स्मोकी आई मेकअप करने में, करवाने में, लेकिन उनको करना नहीं आता। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको स्मोकी आई मेकअप बताती हूँ। स्मोकी आई लुक में हम लोगों ने लेट सपोज कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट सपोज हम पिंक स्मोकी आईज करते हैं, तो सबसे पहले हमने डार्केस्ट कलर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद लाइट, फिर लाइट और फिर लाइट, लाइट करते करते हमने उसकी ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग ऑरेंज में जाना चाह रहे हैं तो ऑरेंज कलर डार्केस्ट अप्लाई करेंगे, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट। लेट सपोज ये हमारी आंख है, हम स्मोकी आई लुक करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने ये जो हमारा एरिया है ना क्रीज के नीचे वाला एरिया, क्रीज क्या होती है ये जो है मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पीछे वो लेक्चर जाके देख लें, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ हर लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। तो स्मोकी आईज के लिए आपने ये जो अपना आईलिड एरिया होता है ना क्रीज से नीचे वाला एरिया, इसमें आपने जो है ना लेट सपोज हम अप्लाई करना चाह रहे हैं जी ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज स्मोकी आई, तो सबसे डार्केस्ट शेड जो है ना वो हम लोगों ने अपने आईलिड एरिया पर क्रीज से नीचे नीचे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये जो क्रीज एरिया है ना हमारा, ये वाला एरिया, क्रीज एरिया, इस पे हमने अप्लाई करना है इससे थोड़ा सा लाइटेस्ट, ठीक है, ऑरेंज कलर, और फिर उसकी इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश से, ये जो ब्रश है हमारे पास, इससे अच्छी तरह से कर लेनी है ब्लेंडिंग। यूं हम ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, ब्लेंडिंग करते हुए आपका ब्रश जो है सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, और फिर उसके बाद इससे भी लाइट कलर, यानी ये वाला जो ऑरेंज कलर है ना उसको हम लोगों ने इस क्रीज से जरा सा ऊपर अप्लाई करना है और इन तीनों कलर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्मोकी आईज में आपने ज्यादा ऊपर तक नहीं आना होता है, आपने अपने क्रीज से जरा सा ऊपर रहना है इस ब्लेंड करने के बाद। ब्लेंड करने से पहले आपने नीचे नीचे रहना है और ब्लेंडिंग करते हुए आपने क्रीज से थोड़ा सा ऊपर आना है और फिर यहाँ इस एरिया पे हम लोगों ने हाईलाइटर अप्लाई करना होता है। ये भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं सारे प्रैक्टिकल्स भी आपको करके बताऊंगी और उसके बाद हमारे होमवर्क्स भी होंगे, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे टाइम हुआ जी हमारे क्वेश्चन का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मार्केट में कितने किस्म के जो है आईब्रोज को फिल करने के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन सी टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताती चलूं गाइस कि जो मोनोक्रोमेटिक लुक्स होती है ना वो हमारे पार्टी मेकअप्स हो या फिर हमारे कैजुअल रूटीन के मेकअप्स हो या फिर ब्राइडल मेकअप्स हो, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लुक्स ही जो है वो कैरी करें, क्योंकि जो पॉलीक्रोमेटिक लुक्स होती है ना वो बहुत ज्यादा कलरफुल होती है, तो वो ब्राइडल मेकअप में या पार्टी मेकअप में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप लोग ब्राइडल मेकअप करें, पार्टी मेकअप करें, सेल्फ मेकअप करें या किसी का भी मेकअप करें, बहुत अगर आप चाहते हैं कि मेकअप बहुत ही ज्यादा एलिगेंट से लगे तो आपने मोनोक्रोमेटिक लुक्स ही चूज करनी है। अच्छा मैं आपको स्मोकी लुक का एक और भी तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका होता है स्मोकी मेकअप करने का। उसमें आपने अपने आईलिड एरिया से नीचे नीचे, यानी ये जो हमारा एरिया होता है ना क्रीज से नीचे नीचे आईलिड पे, इस पे अप्लाई करना होता है ब्लैक कलर, और जोन सभी कलर का आप स्मोकी लुक करना चाहते हो, जैसे रेड करना चाहते हो, ऑरेंज करना चाहते हो, तो आपने उस ब्लैक के ऊपर और क्रीज एरिया पर यहां से यहां तक अप्लाई करना है वो ऑरेंज या रेड कलर, और फिर उससे लाइटेस्ट शेड से आपने यहां तक ब्लेंडिंग कर लेनी है। ठीक है, ये तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यही तरीका अप्लाई करते हैं। अब आपको जो तरीका पसंद आया वो तरीका कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने जो आपको जो मैंने तरीका बताया वही करो, आपको जो तरीका पसंद आए, जो आसान लगे आप वो तरीका कर सकते हो।
तो अब बात कर लेते हैं कि हमने शिमर किस तरह से अप्लाई करना है। तो गाइस शिमर अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपने अपने पहले क्रीज एरिया को किसी भी ट्रांजिशन शेड के साथ जो है वो ब्लेंड करना है और फिर उसके बाद आप अपने आईलिड पर जो है वो शिमर अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये मैं फिर बता रही हूँ, सारा थ्रेटिकल पोर्शन है, इसके आपने नोट्स बनाने हैं, सारे प्रैक्टिकल्स मैं आपको करके बताऊंगी। लेट सपोज मैं यहाँ पे पर्पल शिमर जो है वो मेकअप करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पिंक कलर की क्रीज लाइन डिफाइन करूंगी और उसको लाइट पर्पल से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी और उसके बाद फिर अपने जो आईलिड एरिया है ना इस पे मैं अप्लाई कर लूंगी पर्पल ही कलर का शिमर। ठीक है, ये तरीका होता है शिमर मेकअप करने का। बहुत आसान तरीका ये भी है कि मोस्टली लोग ब्राउन क्रीज या फिर पीच कलर की क्रीज या फिर ऑरेंज क्रीज, इस तरह के क्रीज लाइन जो अपनी डिफाइन कर लेते हैं उसको ब्लेंड करके और मोस्टली जो है वो अप्लाई करते हैं शिमर गोल्डन कलर में। ठीक है, तो गाइज मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जितने भी हमारे वार्म कलर्स होते हैं ना उनके अगर हम क्रीज डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग गोल्डन कलर का जब शिमर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं जी कूल कलर्स क्रीज लाइन में तो फिर उसके साथ हम लोगों को जब हम सिल्वर कलर अप्लाई करते हैं ना ग्लिटर का या शिमर का तो वो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। यानी ये देखिए, रेड से लेकर यहाँ येलो ग्रीन तक हमारे पास जितने भी कलर्स हैं ये सारे वार्म कलर्स हैं, इनके साथ गोल्डन कलर का शिमर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो जितने भी हमारे कूल कलर्स हैं, ठीक है, इनके साथ जब आप सिल्वर कलर का अप्लाई करते हैं ना शिमर या ग्लिटर वो बहुत ही ज्यादा उठता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो आउटर कॉर्नर पे हम अप्लाई कर लें, ये हमारा आउटर कॉर्नर है यानी प्यूपिल के बाद वाला, इसमें हम अप्लाई कर लें ऑरेंज कलर और इसके अंदर वाले एरिया पे हम अप्लाई कर लें गोल्डन शिमर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग ब्लू के साथ मेकअप करना चाह रहे हैं या पर्पल के साथ करना चाह रहे हैं तो हम अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे पर्पल कलर और अपने इनर कॉर्नर पे हम शिमर जो है वो पर्पल के साथ गोल्डन, इतना अच्छा नहीं लगेगा गाइज, पर्पल के साथ जो है ना सिल्वर अच्छा लगेगा क्योंकि पर्पल एक कूल कलर है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं जी पॉलीक्रोमेटिक लुक्स की। तो पॉलीक्रोमेटिक लुक्स में ना हमने मल्टीपल कलर्स यूज करने होते हैं और इसके अलावा हमने ऑपोजिट कलर्स यूज करने होते हैं। जैसे अगेन फिर हम लोग ले आते हैं जी अपने कलर व्हील को, तो अगर आप जो है वो यूज कर रहे हो रेड कलर इनर कॉर्नर पर और या फिर अपने 2/3 पार्ट पे, तो उसके साथ अगर आप ग्रीन कलर यूज करते हो ना तो ये आपकी पॉलीक्रोमेटिक लुक होगी। अगर आप ब्लू कलर का मेकअप करते हो, ऑरेंज कलर का काजल यूज करते हो तो ये आपकी पॉलीक्रोमेटिक लुक होगी। इसी तरह से अगर आप येलो कलर का मेकअप कर रहे हो और उसके साथ पर्पल कलर का शिमर अप्लाई कर रहे हो तो ये भी आपकी पॉलीक्रोमेटिक लुक होगी। अगर आप रेड कलर का मेकअप कर रहे हो और उसके साथ ग्रीन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ग्रीन आ रहे, ग्रीन कलर का ग्लिटर अप्लाई कर रहे हो तो ये भी पॉलीक्रोमेटिक लुक होगी। तो होपफुली गाइज आपको समझ आई होगी कि पॉलीक्रोमेटिक में और मोनोक्रोमेटिक में क्या फर्क है। तो जो पॉलीक्रोमेटिक लुक्स होती है ना ये क्रिएटिव लुक्स में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये पार्टी मेकअप्स में या ब्राइडल मेकअप्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो गाइज होपफुली आज की वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आगे हमारी आने वाली है प्रैक्टिकल क्लास, तो आपने बिल्कुल जुड़े रहना है। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम क्लासेस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस जगह पर आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नजर आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। स्नैक ऐप पे, टिकटॉक पे भी फॉलो करना नहीं भूलना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।